तो ट्रेवल हिस्ट्री हम कैसे बनाए? अगर हम यूके जाना चाहते हैं, यूरोप शंगन में जाना चाहते हैं, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या मेक्सिको, एल सल्वाडोर तक भी आप ट्रेवल करना चाहते हैं, तो हमें ट्रेवल हिस्ट्री कैसे बनानी चाहिए और ट्रेवल हिस्ट्री किस किस तरह से काम करती है? तो दोस्तों, एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि एक ट्रेवल हिस्ट्री के माध्यम से आपकी फाइल स्ट्रांग होती है। दूसरा कि आपकी ट्रेवल हिस्ट्री कम भी है तब भी आप शानगन यानी कि यूरोप के अंदर यूके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेक्सिको, एल सल्वाडोर, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, सभी कंट्रियों में आप कैसे ट्रेवल कर सकते हैं, ये दो चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो सिस्टम है कि हम ट्रेवल हिस्ट्री कैसे बनाएं और कैसे ये काम करती है और किस किस तरह से हमें ट्रेवल हिस्ट्री को बनाना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ट्रेवल हिस्ट्री के लिए, जैसे मान लो हम इंडिया से हैं और इंडिया से हम बाहर जा रहे हैं ट्रेवल के लिए, जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, जो और भी पास पास कंट्री हैं, एक साइड की अगर हम इस साइड में ट्रेवल करने के लिए जा रहे हैं, तो हम इस साइड की जो कोशिश करें कि जितनी कंट्रीज हैं 4, 5, 6 सभी ट्रेवल कर लें। नहीं तो ये जरूरी नहीं है कि आपने इस साइड वाली सभी कंट्री ट्रेवल करनी है। वो कैसे? सबसे पहले आप अपना बजट देखें। अगर आपका 2 कंट्री का इस साइड का बजट है तो आप 2 कंट्री ट्रेवल कर लें, 3 कंट्री का बजट है तो आप 3 कंट्री ट्रेवल कर लें, 4 कंट्री का बजट है आप 4 कंट्री ट्रेवल कर लें। एक चीज इसमें से और मैं बता देता हूं, जैसे कि सिंगापुर है, सिंगापुर थोड़ा सा कोस्टली है, आपको वीजा में भी थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि इसकी वीजा लेने के लिए हमें बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है और बिजनेस के प्रूफ। कई लोगों के पास ये थोड़ा सा यानी कि नहीं टाइम होता, तो उसकी वजह से भी दोस्तों मैं समझता हूँ। तो इसकी आप टेंशन छोड़ देंगे, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी हैं तो आप सिंगापुर में भी, साथ आपका बजट अगर शूट करता है तो सिंगापुर साथ में ट्रेवल कर लें। अगर आपका इस तरह का बजट नहीं बन रहा है तो जरूरी नहीं है कि सिंगापुर को ट्रेवल करने से आपकी जो फाइल है वो स्ट्रांग बन जाएगी। नहीं, जो और कंट्री है जैसे थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, अगर आप मलेशिया को भी ट्रेवल नहीं करना चाहते साथ में, आप थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम ये कंट्री ट्रेवल कर लें। तो इस तरह से आपका 2 से 3 कंट्री एक साइड का आप ट्रेवल करके आ गए, तो ये एक साइड का पार्ट आपका ट्रेवल हिस्ट्री का बन गया। अब दूसरी साइड क्या करना है हमने, जैसे दुबई चले गए, यूएई, यूएई दुबई आपने दूसरी बार जाना है, 1 से 2 महीने 3 महीने का गैप डाल के। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप आए तो अगले हफ्ते आप अपना बैग उठाया और दूसरी तरफ निकल गए, नहीं, 1 महीना 2 महीना कम से कम आपने गैप डालना ही है। तो इस तरह से आप दुबई, यूए की तरफ निकलें और साथ में आप जो उधर कंट्री पड़ती है जैसे अर्मेनिया, अगर अर्मेनिया जा रहे हो साथ में जॉर्जिया को भी ऐड कर सकते हो, अगर आप अर्मेनिया नहीं जा रहे तो आप अजरबैजान को भी साथ ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि अगर अर्मेनिया जा रहे हैं तो अजरबैजान ट्रेवल ना करें, क्योंकि इन देशों का थोड़ा आपसी झगड़ा रहता है, तो इसके कारण दोस्तों आपको ट्रेवल में दिक्कत आ सकती है। अगर आप अजरबैजान जा रहे हो तो आप अर्मेनिया नहीं जाना, अगर आप अर्मेनिया जा रहे हो तो आपने अजरबैजान इसमें ऐड ना करो, आप यूएई जाएं, आप या अर्मेनिया या अजरबैजान, जॉर्जिया, इस साइड की आप 2 से 3 कंट्री ट्रेवल कर लें अपने बजट के अनुसार। कोई जरूरी नहीं है कि आपने ये सभी कंट्रीज तरफ की आपने 4 कंट्री ट्रेवल करने हैं इस साइड की, नहीं, कम से कम आप 2 कंट्री इस साइड की भी ट्रेवल कर लें। अगर आपका बजट ठीक है तो 3 कंट्री ट्रेवल कर लें। आप किसी ट्रेवल एजेंसी से, आप उससे अच्छे से पूछ सकते हैं, क्योंकि दूसरी चीज इसमें और है, चाहे आप जो मैंने पहले वाला पार्ट बताया है थाईलैंड वाला, तो आप उसमें भी अगर उधर चले जाते हो जो पांच पांच कंट्री है उसको आप एक कंट्री को ऐड और करोगे साथ में, तो इतना ज्यादा उसमें बजट नहीं लगता, तो कम खर्चे के अंदर आपका बजट दूसरी कंट्री को आप ऐड करो हो जाता है कम खर्चे के अंदर। ऐसा ही इस तरफ है, यूएई से आप अगर आप अर्मेनिया या अजरबैजान जा रहे हो, जॉर्जिया, इसके साथ और जो देश हैं एक दो आप छोटा छोटे देश उनको साथ ऐड कर सकते हो, 2 से 3 कंट्री का आप इधर से ट्रेवल कर लें, तो ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। अब आप तीसरा पार्ट जो बात आती है शानगन वालों की, जो
जो शनगन में जाना चाहते हैं, तो तीसरी बात है कि आप शनगन में अंदर अब अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। आप शनगन के अंदर जब वीजा अप्लाई करोगे तो शनगन तो 26 देशों का दोस्तों वीजा लगता है, तो 26 देश आप आराम से घूम सकते हैं, 27 देश शनगन के। तो शनगन वीजा की पावर ज्यादा है। इस शनगन वीजा पे जो शनगन के देश 27 कंट्रीज हैं, इसके अलावा जो जैसे और साथ साथ में देश हैं, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया और देश भी दोस्तों, जो शनगन वीजा पे इन देशों का वीजा लेने की जरूरत नहीं है, आप इन देशों को भी साथ में आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों शनगन वाला पार्ट आप खत्म होगा, अगर आप शनगन तक ही ट्रेवल करना चाहते थे, शनगन में ही आना चाहते तो आपका सिस्टम यहाँ पे खत्म हो जाता है शनगन वालों का। अगर आप यूके, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, यूएसए कहीं पे भी जाना चाहते हैं, उसके बाद आप शनगन ट्रेवल करके 1 वीक के राउंड में, तो आप 2 से 3 महीने का गैप डाल के आप कनाडा ट्राई कर सकते हो, आप यूके ट्राई कर सकते हो, आप यूएसए ट्राई कर सकते हो और आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ट्राई कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों एक चीज में और कहना चाहता हूँ, आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपने पहले दिन से ट्रेवल करना शुरू किया है, तो वैसे वैसे उस जिस कंट्री का आपका टारगेट है ट्रेवल करने का, शानगन का, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूएसए, तो आपने उस कंट्री के हिसाब से अपनी फाइल में धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करते चले जाना है, ताकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप 6 महीने के बाद आप मान लो अप्लाई करेंगे, आप 2 से 3 तरफ का आप अलग अलग पार्ट का ट्रेवल करेंगे, आपको 3 महीने या 6 महीने लग ही जाएंगे। तो 6 महीने के बाद दोस्तों, 6 महीने के अंदर आप कोशिश करें, आप धीरे धीरे करके अपनी फाइल के जो डॉक्यूमेंट हैं वो धीरे धीरे अपनी ITR, अगर आप बिजनेस कर रहे हो थोड़ा सा बिजनेस रजिस्ट्रेशन, अपनी जो स्टेटमेंट है उसके अंदर ट्रांजेक्शन थोड़ा अच्छी रखें, उसके अंदर फंड्स थोड़ा सा आराम आराम से बढ़ाएं। तो इस तरह का ट्रिक है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब की प्रोफाइल आप सैलरी उसके अंदर अच्छी तरह से डलवाएं, और दोस्तों अपनी NOC की बात करके रखें, तो अपना यानी कि इस तरह से अपनी धीरे धीरे फाइल भी आप अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग करते चले जाएं, क्योंकि जैसे आपके 6 महीने बाद आपका ट्रेवल हिस्ट्री का पार्ट खत्म होगा और जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आप अपनी फाइल रेडी करके उस कंट्री में अप्लाई कर दें, तो आपके वीजा मिलने के चांसेस हाई हैं। ऐसे करके दोस्तों आप आराम आराम से ऐसे ट्राई करके अपना ट्रैवल हिस्ट्री अच्छे से बनाते चले जाएं, और अपने बजट के अनुसार और अपने मन चाह आप अपने कंट्री में जा सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।